I want to work in films that make me happy. And NH10 is the kind of film that makes me happy, it, as a viewer and as an actor. And there is absolutely no other reason, or there's no other kind of thought given to it other than this. I read the script, I thought it was awesome, I thought people would think it is awesome, and that's why I decided to do it. I think I've just kept my life very simple. This is, I guess, just an opportunity for me to be able to present a film that I was so excited to read. I mean, it was, honestly, this was the first time I read a script where I did not even stop at interval. Like, usually you stop and you take a pee break or something. I swear, like, I read it from the beginning to the end. Like, that's how I felt. And instantly I was like, man, I want to do this. And I want to work in films where this is what I feel. You know, I read the script and I'm like, yaar, mujhe ye karna hai, I want to do this. And that's what this film did for me. Anushka ji, ये फिल्म 6 मार्च को रिलीज हो रही है और वुमेन्स डे भी है, तो ये फिल्म क्या औरतों को जागृत करने के लिए आपने बनवाई है खास तौर पे कि लाइक इसमें मतलब रोना नहीं है, डंडा उठाना है, ऐसा आपने इसमें दिखाया है? यू नो, जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. मुझे तभी इस फिल्म में मुझे इतनी पसंद आई है कि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है. इट्स एक्चुअली अबाउट अ पर्सनल स्ट्रगल द वे आई लुक एट इट, कि कितना आप किसी को पुश करोगे कि वो फाइनली यू नो दे डिसाइड टू स्पीक अप, दे डिसाइड टू स्टैंड अप, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. ये औरतों को भी बहुत पसंद आएगी और मेरे हिसाब से आदमियों को भी बहुत पसंद आएगी, बिकॉज आई थिंक इट्स सेइंग समथिंग विच इज वेरी पर्सनल, सो एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. बिकनी तो नहीं पहनी वैसे, वो वन पीस सूट बोलते हैं उसे आप, हाँ नी को पहनाई हमने बिकनी. नो जस्ट किडिंग. देखिए, मैंने आज तक ऐसी फिल्में करने की कोशिश करी इवन एज एन एक्टर जो मुझे लगता है कि मैं पिक्चरें करना चाहती हूँ, अच्छी स्टोरीज में काम करना चाहती हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ. तो आई डोंट थिंक ये मेरा फॉर्मेट चेंज होगा इफ आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स एंड बी इन्वॉल्व इन मूवीज इन एनी अदर वे एज अ प्रोड्यूसर इन दिस केस. तो अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी से जुड़ना है, अच्छी कहानी लोगों को दिखानी है, दैट्स माय आइडिया, दैट्स द वे आई वांट माय करियर टू गो. सो ऐसी चीज़ें कि गाने होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये ऐसी फिल्म में डजंट फिट. एंड हम फालतू में इनको चीज़ों को डालेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज इट, यू नो, वी ट्राई टू मेक दिस फिल्म एज रियल एज पॉसिबल, वी हैव स्टेड एज ट्रू टू द स्टोरी एज पॉसिबल, बिकॉज वी हैड सच अ गुड स्टोरी इन हैंड एंड वी ऑल लव्ड इट सो मच. यू नो, ऑनेस्टली मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये जैसी फिल्म ये है, उसमें जो फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व विद द फिल्म मैक्सिमम एंड यू नो कम्प्लीटली बी अ पार्ट ऑफ इट 100% वॉज द रीजन बिहाइंड डिसाइडिंग टू बी अ प्रोड्यूसर ऑन अ फिल्म लाइक दिस, अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म लाइक दिस. आप देश की बहुत ही बड़ी एक स्टाइल आइकॉन है, नारी शक्ति की एक आइकॉन है आप. मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप उसका आंसर भी करेंगी. आप मैं पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में एक विवादित शो आयोजित किया गया था जिस पर महिलाओं के प्रतिरूप को तार तार कर देने वाले जो जोक्स, कमेंट्स, इशारे किए गए थे, उन पर बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं हंसती हुई नज़र आई थी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे. आप देखिए, जिस तरह से मैंने उसको देखा था, और हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, आपका एक है, मेरा है, किसी और को कुछ और होगा. मुझे ये एक ऐसा, इट वॉज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी, इट वॉज जस्ट नॉट सपोज टू बी एंड मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, दैट्स द वे आई लुक एट इट. एंड जस्ट लाइक हाउ दिस इज माई ओपिनियन, समवन एल्स इज फ्री टू हैव देयर ओन ओपिनियन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.